जब से मोबाइल हमारे जीवन में आया है तब से हम संशय में रहना शुरू कर दिए हैं। हमें हमारे मन में शंका बहुत हो रही है, हम संदेह में जीने लगे हैं, प्रत्येक चीज में अविश्वास होने लगा है। आप कभी कल्पना करिए, आपके पास कोई मोबाइल आता है किसी मित्र का, दिल्ली कलकत्ता या बाहर के जो भी आपके प्रिय लोग रहते हैं वहाँ से फोन आता है, फोन आता है तो आपके मन में पहला बार फोन उठाते हैं आप, मोबाइल उठाते हैं और क्या पूछते हैं, हेलो समाचार ठीक बानो? पहला प्रश्न आपका यही है कि समाचार ठीक है ना? क्यों, समाचार को क्या हो गया है? आर यू एक्सपेक्टिंग बैड थिंग्स? क्या आप किसी बुरी खबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपने क्यों पूछा ऐसा? समाचार ठीक बान मतलब क्या हुआ कि आप कोई किसी बुरी खबर का इंतजार कर रहे हैं, आपके हृदय में इतना संदेह भरा हुआ है, इतने संशय में आप जी रहे हैं। और जो व्यक्ति संशय में जीता है उसके हृदय में जो रक्त संचार हो रहा है, हार्ट की जो हृदय की धमनियां हैं वो नॉर्मल नहीं रहती है, धक धक अधिक कर जाएगा। आपको पता होगा आपका दिल 24 घंटे में 1,00,000 बार धड़कता है। और जब इस तरह संशय में आप जीने लगते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और उसके बाद खून तेजी से भागने लगता है, एबनॉर्मल हो जाता है आपके शरीर में, तभी आपका चेहरा लाल हो जाएगा। आप कभी किसी क्रोधी व्यक्ति को देखिए, लाल चेहरा, मतलब कि रक्त का संचार बढ़ गया, नॉर्मल वो व्यक्ति नहीं है। आप संशय में पड़ गए, दुख में पड़ गए, पीड़ा में हैं, सिकुड़ जाइएगा, रक्त का प्रवाह धीमा हो जाएगा, हृदय गति रुकने की संभावना हो जाएगी। बहुत पीड़ा में जब आदमी चला जाता है तो हृदय की गति रुक जाती है, अकस्मात अवाक रह जाता है, अवाक मैंने अवाणी नहीं है मेरे पास, चुप हो गया। तो यह सब खतरा है, हम लोगों को इस खतरा से बचने के लिए मोबाइल का उपयोग करें लेकिन सीमा के अंदर, दो आधा मिनट एक मिनट यस नो बात करें, पूरी किताब पढ़ने लगते हैं मोबाइल पर। आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों को 30 मिनट 35 मिनट तक बात होती है लोगों को मोबाइल से। कभी सोचा है मोबाइल का जो रेडियो एक्टिविटी, जो विकिरण हो रहा है मस्तिष्क पर, कान के माध्यम से मस्तिष्क को डैमेज कर रहा है, आदमी आजकल क्रोधी हो गया है बहुत, कारण यही है। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे मस्तिष्क को जीवित किए हुआ है, वो बड़े बड़े छोटे 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 कीटाणु हैं न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स मर रहा है। 10 अरब न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में है और 10 अरब में से धीरे धीरे जब वो घटना शुरू हो जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा तो स्वाभाविक है कि मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। तो हम मोबाइल किस लिए रखें, अपना नुकसान कराने के लिए? इसलिए तमाम मित्रों से कहता हूँ जो मोबाइल को आप छोड़े नहीं, रखें लेकिन उसकी सीमा रेखा बनाए। अब आधा घंटा तक पूरी किताब पढ़ रहे हैं मोबाइल पर, पूरी कहानी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आप कर रहे हैं मोबाइल पर, अब तो बहुत अच्छा आ गया, मैसेज कर दीजिए, मैसेज पर भी बहुत काम हो जाता है, कम से कम इतना तो हुआ कि कान में नहीं लगाना पड़ा। अब तो एक और निकाल दिया है लोगों ने, जो मोबाइल का सेट वहाँ रहता है और रॉड लेके कान में तार लगे लेके लगा दीजिए तो उतना बैटरी का प्रभाव आपके दिमाग पर नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा, डैमेज कम होगा। लेकिन अगर सचमुच शांति में रहना चाहते हैं अब किसी संत महात्मा के पास जाके देखिए, कोई मोबाइल नहीं रखते हैं लोग, कोई मोबाइल नहीं है उनके हाथ में, और जाके दो पंक्ति में बात करेंगे, क्योंकि बहुत बकवास करने से आपकी आयु घट रही है, इसलिए बोलने से भी बचिए, क्योंकि बोलते समय ऊर्जा नष्ट होती है शरीर की, प्राणवायु कम हो जाती है, प्राण की ऊर्जा कम हो जाती है, मेरे भाई बहन इसको बचाइए।